हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होने वाला है बहुत ही खतरनाक व्यू और बहुत ही खतरनाक ब्लॉग, क्योंकि आज हमारे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। कैमरे को सेट करते हैं अपने हेलमेट पे इस एंगल पे, तो अभी आप ये वाला एक्चुअल मजे करो। चलिए गाइज, हम लोग पहुँच के फाइनली गुड़गांव आज, जो कि ये देख सकते हो पीछे बाइकों का लाइनअप बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और ये हमारे गुलशन सेठ शॉर्ट के लिए एडिट कर रहे हैं, दीपक उधर खड़े हैं और अभिषेक भाई की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कहना था आवाज़ और भाई भाई की गाड़ी के टी एम चोरी हो चुकी है। और भैया जी हमारे साथ राजेश जी, और ये अपनी छोटी सी बाइक, और ये है दीपक भाई। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं हम लोग आगे की ओर। हाँ भाई, वो कोई ले जाएगा, कोई लेके चला जाएगा, तो चलो मिलते हैं आप। तो भाई चलने का समय हो गया, भाई लोग निकल दिए धीरे धीरे अपनी पल्सर निंजा और डेटोना। हम रह गए, अब हम खींचेंगे गाड़ी तेज़ी में। ये लोग कहाँ रॉकेट उड़ाते पता ही नहीं चलता। और सामने तीन ब्यूटी खड़ी हैं, दो एक ब्लैक एंड ग्रीन टेनार, चार एक 1000 एसआर और एक भूसा। चलो क्या बात है, वरना वाले भैया गाड़ी एकदम ही काट दोगे का? एकदम ही बहुचंड इंसान हो। अब जो बहुचंड का मतलब नहीं समझे, उत्तर प्रदेश के किसी बंदे से डिक्शनरी करवा लेना, वो आपको बता देगा कि इसका मतलब क्या है। अखंड चूतिया इंसान को उत्तर प्रदेश में बहुचंड बोला जाता है। ठीक है भैया जी, बड़ी प्यारी लगती है ये गाड़ी, प्यारी नहीं बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सेक्सी कॉम्पैक्ट सी लगती है। 698 समथिंग सीसी का इंजन है और गाड़ी कंडीशन देखो यार, ये होता है बाइकों का शौक। नहीं भेज देता हूँ जब तक। भाई कितना क्लोज निकला है वो, मेरी फट गई एक बार को। पटाखे मारने को हो रही है यार,
टायरों का एग्जॉस्ट लगा रखा है भाई ने अलग। यहाँ थोड़ा सा इशू रहता है, बंदे कहीं से भी कहीं भी आ जाते हैं, पिछली बार भी आपने देखा ही था। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं और साइड से निकल जाते हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन सा टोल है, गैस कर, मुझे भी नहीं पता। वो बच्चा हाई कर रहा है, अंकल जी थे और बच्चा था, हाई कर रहा था तो उनके लिए मुझे लगा ये लोग रुकेंगे, बट भाई लोग थोड़ा जल्दी में हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है हम भी जल्दी में फिर। तो नहीं ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी। भाई भाई की बंदी छोड़ गई थी, बहुत ज़्यादा दुख है भाई की लाइफ में। तो भाई ने अपना सब कुछ छोड़ा, धंधा पानी, भाई जॉब कर रहा है आईटी सेक्टर में, उसके बाद 24/7 खोला बेवफा चाय वाला। अब इनकी अर्निंग पता है तुम्हें कितनी है, लाखों में। अब इनकी गर्लफ्रेंड रो रही है इनसे मिलने के लिए कि बेबी आ जाओ, बट अब बाबू नहीं आएंगे क्योंकि बाबू को तुम उनके बुरे समय में छोड़ गई यार। बाबू गुस्सा हो गए, बेवफा चाय वाला तुम्हारे नाम से हम खोल दिए चाय का ठेला, ठेला नहीं सॉरी स्टॉल है पूरी। सबसे बेस्ट प्लेस है अगर घूमना उमना चाहते हो, थोड़ी बहुत फोटो वगैरह का शौक है, हाँ अगर क्रिंजी रील्स भी बनाना चाहते हो तब भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, भगाएगा नहीं कोई आपको। जैसे आजकल आपका तो बाइकआउट हो गया हर जगह से, रील्स पे बंदे जो हैं वो ऐसी उस टाइप की वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए इसकी आवाज़ आ रही है, ऐसे आँख बंद करके मजे लो, टेंशन नहीं है, अपने पास नहीं है तो क्या होगा, आएगी एक दिन, वो भी आएगी जब पल्सर से यहाँ तक आ गया, सॉरी एंटॉक से, तो एक दिन वहाँ तक भी जाएंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे यार, बस ऐसी वीडियोस को शेयर करते रहो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने दोस्तों से, क्योंकि बहुत जरूरत है अब आपके सपोर्ट की। बहुत कुछ करते दिख लिया, विदाउट मनी टूर, ये वो बाइक राइड, हाँ ऐसे टूर्स, फूड ब्लॉग, कहीं कुछ नहीं मिला, आती नहीं है कुछ। और आजकल पता नहीं क्या चोचला चल रहा है, बंदे 799 रुपये के ब्लू टिक लेके अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं। अरे तुम वो लोग हो जिनको कुछ ही नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया, तुम्हारा बस की नहीं थी लेना कभी ब्लू टिक, वो लोग तुमने जो खरीदे हैं, और तब कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू आज भी उसी बंदे की है जो पहले से पॉपुलर था। वो आ जाएंगे, लोकेशन दे रखी है, मैंने खींच नहीं पाएंगे, मैं उनका लोकेशन ही दे दूँ, पीछे थे टोल पे थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को ये चीज़ें जरूर बताएं कि हमारा एक फ्रेंड है ऐसा ऐसा करके कंटेंट बनाता है। और मैं आशा करता हूँ इस व्लॉग पे यार 50 या 100 कमेंट तो कर ही दो, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कॉन्टेंट के साथ, और हम अपनी गाड़ी को कस्टम और मॉडिफाई कराने जा रहे हैं, जो कि मॉडिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। तो देखो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो बने रहें व्लॉग में, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ।